साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देश पर बालोतरा के एसपी कुंदन कवरिया लगातार तस्करों की कमर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन भोकाल के तहत बालोतरा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की है। एसपी कुंदन कवरिया के नेतृत्व में पुलिस थाना बाईतू द्वारा अशोक लीलन कंपनी के चार चक्का टेम्पू सहित उसमें भरे 25 प्लास्टिक कट्टों में 516 किलो अवैध डोडा पोस्ट कीमत करीब 35 लाख रुपए कर बरामद की है। आरोपी नरेश कुमार पुत्र खेमाराम निवासी डाबलासर पुलिस थाना सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो साथियों, ये नरेश कुमार है और पीछे अवैध मादक पदार्थ डोडा से भरे प्लास्टिक के कट्टे हैं और पुलिस की टीम मौजूद है। बायतू एसएचओ सहित पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात है। बालोतरा के एसपी कुंदन कवरिया ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी है, पूरा मामला बताया है, कहां पर कार्रवाई हुई है, कितने आरोपी थे, क्या कार्रवाई हुई है। चलो अपन बालोतरा एसपी से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। चलो एक बार शेयर कर दो, अपन बात करते हैं। बालोतरा के एसपी ने मीडिया से बात कर पूरी जानकारी दी है, पूरे मामले का खुलासा किया है। धन्यवाद। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बालोतरा जिले की बायतू थानाधिकारी द्वारा कल 25/10 को रात को 9:30 बजे के लगभग एक डीपीएस की कार्रवाई की गई। इसमें एक इतला मिली थी कि एक अशोक लीलैंड का चार टायर वाला टेम्पो है जो कि कोरियर का कैमोफ्लाज करके तस्करी करता है। इसमें सूचना संकलन कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक महाराष्ट्र नंबर के टेम्पो को जब्त किया गया है तथा इसमें 25 कट्टों में 516 किलो अवैध डोडा पोस्ट को बरामद किया गया है। इसमें एक व्यक्ति जिस जो कि सदर बाड़मेर का निवासी है नरेश कुमार जाट, उसको भी गिरफ्तार किया गया है।